आज तो देख के लग ही नहीं रहा कि हनुमान जयंती, क्योंकि सड़क से आगे चौराहे तक जाम रहता था, बंद रहता था, लेकिन जब से सरकार आरटीपीसीआर का नियम लगा दी, मंदिर प्रशासन भी सख्त इस मामले में, तो जिनके आरटीपीसीआर चेक करके 72 घंटे का और जिनका नेगेटिव उनको ही एंट्री दे रही है दर्शन कराने, तो दर्शनार्थी भी समस्या इसलिए आ भी नहीं रहे हैं, जिनके पास रिपोर्ट है वही अंदर दर्शन कर पा रहे हैं। मैक्सिमम लोग बाहर से दर्शन करके दरवाजे से ही दर्शन करके चले जा रहे हैं, वरना आज के दिन तो पूरा शहर भरा रहता था केवल हनुमान जी के दर्शन के लिए। आज ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है, हम लोग तो बहुत देर से देख रहे हैं यहाँ पे मंदिर आरटीपीसीआर चेक करके मोबाइल पे या प्रिंट आउट देख के तब अंदर एंट्री करने का दे रहे हैं। हर साल देखिए यहाँ पे हजारों की भीड़ें रहती थी, भक्त अपने भक्ति में लीन रहते थे, लोग आते थे यात्रा में दर्शन करते थे, पूजन करते थे। अब क्या है कि एक सन्नाटा सा है लगता है, लेकिन समय माहौल को देखते हुए इस तरह से रहना भी ज़रूरी है, लोगों को भीड़ ना जुटाया जाए। हम अकेले खुद आए हैं यहाँ पे, केवल अपनी यात्रा की प्रथा है तो अपने घर से निभाई जाती थी, तो खुद अकेले हम आए हैं, लोगों को ना जुटाया जाए। और लोगों से यही है कि वो लोग भी भीड़ ना कहीं लगाएं और मास्क का और नियमों का पालन करें। हनुमान जी का बाहर से दर्शन करके लोग जा रहे हैं जी।